वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने क्लास गुरुकुल क्लासेज में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी क्लास में आप सभी ने ग्रामर के काफ़ी टॉपिक्स जैसे नाउन प्रोनाउन नंबर जेंडर एडजेक्टिव एडवर्ब्स टेंस वगैरह भी आपने पढ़ दिए थे। और अब इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा वॉइस के ऊपर। हम देखेंगे कि वॉइस, तो आज हम जानेंगे वॉइस के बारे में कि वॉइस होता क्या है और इसे अपन कैसे ग्रामर में सॉल्व करते हैं और किस प्रकार से इसकी जो क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि वॉइस होता क्या है। वॉइस का अगर हम हिंदी देखते हैं तो वॉइस का हिंदी होता है वाच्य। सीधी सी बात है, वॉइस का मतलब हो गया वाच्य। अब वाच्य का मतलब क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिए कि अपने द्वारा कही गई कोई भी बात, ठीक है, किसी बात को या फिर अपनी कोई भावनाओं को हम शब्दों में व्यक्त करते हैं उसे हम वॉइस कहते हैं या वाच्य कहते हैं। और ये बात दो प्रकार से व्यक्त होती है। मतलब वॉइस का मतलब हो गया कि वॉइस का मतलब हुआ अपने द्वारा कही गई कोई भी बात। वॉइस का मतलब हो गया अपने द्वारा कही भी कोई भी बात जिसे हम दो प्रकार से व्यक्त करेंगे। एक होगा अपने सक्रिय और दूसरा निष्क्रिय होगा। अर्थात कि वॉइस के दो प्रकार होंगे और इसी के साथ में अंग्रेजी में वॉइस के टू टाइप होंगे। ध्यान दीजिए कि इंग्लिश में वॉइस के टू टाइप होंगे जिसे हम एक्टिव एंड पैसिव कहेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि वॉइस के दो प्रकार होंगे जिसे हम एक्टिव और पैसिव कहेंगे। अब हम जानेंगे कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है। हम देखते हैं कि वॉइस के टू टाइप होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस होता है उसे हम हिंदी में कर्तृवाच्य कहेंगे। कर्तृवाच्य का मतलब हो गया सक्रिय होना। क्या हो गया, सक्रिय होना। अर्थात कि इसमें कर्ता प्रधान या प्रमुख होता है। हम कह देंगे कि एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रमुख होता है और वाक्य जो होता है वो कर्ता पर ही निर्भर होता है, कर्ता से ही शुरू होता है। जैसे राम ने खाना खाया। अब इसमें क्या है, जो कार्य है वो राम के ऊपर डिपेंड करता है। इसी प्रकार हम आप देखो कि पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस को कहेंगे अपन कर्मवाच्य अर्थात निष्क्रिय। इसमें क्या होता है, इसमें कर्ता को निष्क्रिय कर दिया जाता है, इसमें कर्ता कोई कार्य नहीं कर रहा होता है और जो वाक्य होता है वो कर्म पर ही निर्भर करता है। वाक्य जो होता है वो कर्म पर निर्भर करता है। यानी किस प्रकार, इसे हम देखेंगे एग्जांपल से। जैसे खाना राम के द्वारा खाया गया, इसमें क्या देखा कि इसमें राम को निष्क्रिय कर दिया गया है और पूरे वाक्य को कर्म पर डिपेंड बताया गया है। तो इस प्रकार एक्टिव और पैसिव वॉइस के टू टाइप होते हैं। तो आप जान गए होंगे कि वॉइस के टू प्रकार होते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि वॉइस को समझने के लिए आप ध्यान देना कि अलग अलग एक तो रूल्स होते हैं साथ ही कॉन्सेप्ट होते हैं। क्या वॉइस को समझने के लिए रूल्स और कॉन्सेप्ट होते हैं अलग अलग। और इसी के साथ में हमें एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए काफ़ी सारे रूल्स होते हैं जिन्हें हमें समझना पड़ता है। और वो सभी जो रूल्स होते हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित होते हैं। अब हम जानेंगे कि वॉइस में कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं और किन किन कंडीशन में अपने को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना पड़ेगा। तो आप देखिए, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है अपना
टेंस संबंधी चेंज, दूसरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा हो गया उससे स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, फिर गोइंग टू वाले, मॉडल वाले और डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस। इसके बाद में हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट वाले सेंटेंस और इंफिनिटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स अब आप जानेंगे कि ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इन सभी टॉपिक्स को हम अलग अलग क्लास में, यानी कि वॉइस पार्ट फर्स्ट पार्ट टू अलग अलग क्लासों में समझेंगे, एक साथ उनको नहीं बता सकते। तो हम लोगों ने ये जाना कि वॉइस होता क्या है और वॉइस में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि जो वॉइस है उसमें एक्टिव से वॉइस में जिन सेंटेंस को हम बदलेंगे या फिर बदलते हैं वो किस प्रकार के आते हैं और किस प्रकार वो चेंज होते हैं। तो उसके लिए हमें पहले कुछ हिंदी के एग्जांपल जो हैं उनके माध्यम से इस बात को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ये दो तीन हिंदी के एग्जांपल दिए हैं, तो अब मैं इन्हें आपको आसी वॉइस में बदल के बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें चेंज करना है। जैसे जितने भी सेंटेंस मैंने लिखे हैं ये सभी एक्टिव होंगे, जैसे वह किताब पढ़ रहा है, तो इसका जो पासिव बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, जैसे किताब उसके द्वारा पढ़ी गई। दूसरा सेंटेंस देखो आप, सीता खाना बना रही है, तो ये बनेगा कि खाना सीता के द्वारा बनाया गया। तीसरा सेंटेंस है सोहन खाना खा रहा है, तो ये चेंज होगा जैसे खाना सोहन द्वारा खाया गया। सेंटेंस नंबर चौथा है मैं एक कहानी लिख रहा हूं, तो इसका क्या बनेगा कि एक कहानी मेरे द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट होगा सीता गीता गाना गा रही है, तो गाना गीता के द्वारा गाया गया। तो आप इन सेंटेंसों में ये चीज देखिए कि एक्टिव और पासिव में, एक्टिव वॉइस में जितने भी सेंटेंस आके हिंदी में लिखे हैं वो सभी कर्ता पे डिपेंड कर रहे हैं, उन सभी में कर्ता जो है वो कार्य को कर रहा है। लेकिन पासिव वॉइस में ऐसा नहीं हो रहा है, पासिव वॉइस में पूरे के पूरे वाक्य को ही क्रम पर निर्भर बताया गया है। तो इस प्रकार से इन्हीं सेंटेंस को जो जितने भी वाक्य मैंने यहाँ पर हिंदी में बदले हैं उन्हीं को हमें इंग्लिश में बदलना है, और उसी के लिए अलग अलग रूल्स और अलग अलग कॉन्सेप्ट वॉइस में दिए गए हैं। तो उनके बारे में हम जो मेरी जो अगली क्लासें होंगी उनमें चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।